हम लोग एक शहर में इस तरह की वो कर सकते हैं जागरूकता, ताकि हम लोगों से कोई भी पुराना सामान है, कोई कपड़ा हो गया, जूते हो गए, शूज़ हो गए, मतलब कूड़े में ना जा करके वो रीयूज हो, इस तरह की आइटम हम ये इस तरह का ड्राइव हम चला रहे हैं। और नगर पंचायत जो हमारी पुरानी बिल्डिंग थी वहाँ पर हमने फिलहाल प्लान किया कि उसका हम कलेक्शन सेंटर बना देंगे, और बीच में जो गर्जमंद लोग होंगे तो उनको हम उस तरह के आइटम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज की डेट में वो सारा वेस्ट क्या होता है, वेस्ट ही है, वेस्ट ही है। तो लोगों में हम इस तरह की एक्टिविटी चलाएँ, लोगों में समझाएँ कि जो भी हम घरों में सामान ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो हम ये वेस्ट मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है जिसमें सरकार ने चलाया ट्रिपल आर से, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस। तो इस तरह करके भी हम कूड़े पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो कूड़े का मेन फार्मूला यही है कि हम ट्रिपल आर पे काम करें। तो रिसाइकल कैसे किया जा सकता है, कूड़े को रिसाइकल कैसे किया जा सकता है, कूड़े से हम रीयूज कैसे कर सकते हैं और रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। एक आर और जुड़ गया है, रिफ्यूज। हमें किन आइटमों को शुरू में रिफ्यूज़ कर दें ताकि वो शहर में कचरे के रूप में ना ही आए, तो इस पे हम काम करेंगे। और ये जो हमारे छोटा सा हमने एक आप लोगों के सहयोग से एक छोटा सा स्वच्छता अभियान चलाया, इसमें भी मेरा मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और आपके बहुमूल्य जो आपने सहयोग दिया। और ये स्वच्छता में जन सहयोग, स्वच्छता की मिशन की पहली सीढ़ी है। जब हम लोग खुद ही अपने एरिया को स्वच्छ करेंगे तो स्वाभाविक रूप से कूड़ा डालने वाला भी सोचेगा और हमारी भी नज़र रहेगी कि उस स्पेस पे कोई गंदगी ना डाले।